मानसून सत्र के दौरान झारखंड सरकार ने झारखंड के छात्रों के लिए एक बिल लाया था, जिसे बीजेपी के नेता उसे काला बिल बता रहे थे और इसे छात्रों के लिए काला कानून भी बताया। इसे लेकर के आज जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने बाबूलाल को इस बिल के विरोध करने पर कहा कि अगर राज्य में काला कानून है तो फिर यूपी गुजरात जैसे अन्य राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है उसे क्या कहेंगे। क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने, देखिए इस खबर में। जोहार साथियों, आप सबको आज बुलाने का उद्देश्य यही था कि विगत 3 तारीख को झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और एक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए, कदाचार रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कानून के शक्ल में एक प्रस्ताव पारित हुआ जो माननीय राज्यपाल के स्वीकार के लिए भेजा गया, ताकि इस राज्य में अब कम से कम पब्लिक जो सर्विसेज हैं, चाहे वो JSCC के द्वारा हो, JPSC के द्वारा हो या अन्य एजेंसियों के द्वारा हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो पाए। और कदाचार इसलिए ना हो पाए क्योंकि हम विगत 10 वर्षों में का इतिहास यदि देखें तो गुजरात, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लंबे काल से, वहां विगत 10 वर्षों में 13 बार पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 वर्षों से शासन है, वहां 6 बार पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला है और वहां का जो लगातार इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे राज्य में भी 2 बार पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक जो होता है उसके कारण बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, इतने विषाद में चल जाते हैं। कतिपय लोग जो पेपर लीक में जुड़े हुए रहते हैं, उनके आर्थिक फायदे के कारण पूरा का पूरा एक भविष्य समाप्त हो जाता है। संज्ञान में लिया और पहले पब्लिक एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक कर पाए। और उसे निमित्त ये विधेयक पारित हुआ। लेकिन हमारे भाजपा के दोस्तों को, क्योंकि ये तो व्यापम के जो उत्तराधिकारी लोग हैं, जो गुजरात पेपर लीक के उत्तराधिकारी लोग हैं, इनको पेट में दर्द हो गया और कल अहले सुबह किसी तरह राज्यपाल जी को झकझोर कर जगा कर उनसे मिलने का काम हुआ कि ये विधेयक जो पारित हुआ है इस पर आप अपनी सहमति ना दें। मतलब कदाचार, भ्रष्टाचार, बच्चों का भविष्य भाण में जाए लेकिन हमारी काली कमाई जारी रहे। पेपर लीक से जो आर्थिक फायदे होते हैं वो बाबूलाल जी के साथ साथ
भाजपा के विधायकों के पास जाए, ये उनकी प्राथमिकता थी। सुन के भी और देख के भी और समझ के भी अवाक होता है कि कोई इस प्रकार का दुराचार का कोई पैरवी कर सकता है क्या, और उसके लिए राजभवन का इस्तेमाल कर सकता है क्या। बाबूलाल जी से मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है, बाबूलाल जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं,